नमस्कार, आप सभी लोग का मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है उत्तम 99 बिल्डर। और जैसे कि आप देख सकते होंगे, ये मैं जो आपको दृश्य दिखाने वाला हूँ, ये है 99 द कैलाशा, जो कि हाईवे से 40 फीट का एड्रेस है, NH-19 पे ये प्रोजेक्ट है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारा डिटेल्स आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये हो गया NH-19, जो कि ये रोड आपका दिल्ली की ओर जाता है और ये रोड कलकत्ता की ओर जाता है। तो ये रहा 40 फीट का एंट्रेंस, जैसे कि आप देख सकते हैं इन और आउट है और नाम ही है द कैलाशा। तो यहाँ पर हर एक चीज में आपको शिव जी का दर्शन होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेन एंट्रेंस के बाद अंदर आते हैं तो यहां से प्रवेश करेंगे आप, ये 1.25 एकड़ में मंदिर है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर दर्शाया जाएगा। आप देख भी सकते होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 में, तो 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर यहाँ पर है। इसके बाद हम लोग अंदर चलेंगे तो ये रोड तो 40 फीट का है ही। यहाँ पर मिल रहा है आपको ये क्लब 99, स्विमिंग पूल भी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं स्विमिंग पूल के साथ में क्लब भी है, जो कि इंडोर गेम्स वगैरह रहेगा। कैलाशा का सबसे बड़ा बंगलो, जो कि इसका नाम ही हम लोग बहुत प्यारा से रखे हैं, भाविया, और ये आपका 2400 स्क्वायर फीट जमीन है, 2357 का बिल्टअप एरिया है, और ये आप देख सकते होंगे झूमर वगैरह दिया गया है इसमें। इंडिपेंडेंट हाउस तो है ही ये, और इंडिपेंडेंट स्विमिंग पूल भी आपको मिल रहा है। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को स्विमिंग पूल दिखाने का, और इसका रेट मैं बता दूं, अगर आप स्विमिंग पूल के साथ लेते हैं तो आपको रेट मिलेगा 97,12,999, और अगर स्विमिंग पूल नहीं चाहिए विदाउट स्विमिंग पूल तो 86.5 इसका रेट है। इसी बात चलते हैं इस घर में और देख सकते हैं हर एक बंगलों के बगल में रोड दिया गया है, और रोड ऐसा है आप किसी भी रोड में जाएंगे तो मेन गेट तक आ सकते हैं या आप अपने घर के मुख्य द्वार तक पहुंच सकते हैं। तो भावे के बाद यहाँ पे जो आता है वो घर है जया, और ये 1800 स्क्वायर फीट जमीन है, इसमें 2004 का बिल्टअप एरिया है, और ये 4 बेडरूम का है। इसके बगल में आपको मिल रहा है यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट खेलने के लिए, ये एक वयस्को के लिए अच्छा प्लेग्राउंड है। उसके साथ में ही गणेशा, बाल गणेशा पार्क है, जो मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाने का, बाल गणेशा पार्क, और उसके बगल में ये बैडमिंटन कोर्ट, और फिर उसके बाद जो घर है तो उसके बारे में बताना चाहूंगा। ये जो सारा घर आप देख रहे हैं ये है वैष्णवी, जो कि 4 बेडरूम का आएगा, 1440 स्क्वायर फीट जमीन, 2004 का बिल्टअप एरिया के साथ। रेट की अगर बात करें तो रेट है इसका 69,29,999। इसके साथ ही आपको मिलता है इस प्रोजेक्ट में आदि योगी मेडिटेशन पार्क। आदि योगी मेडिटेशन पार्क के पीछे आप देख सकते होंगे आर्टिफिशियल माउंट कैलाशा, और उस लोकेशन में आप देख सकते हैं शिव जी का और मां पार्वती का जो भव्य प्रतिमा दिया गया है, ये काफी गगन चुंबक। तो कैलाशा में जो मैंने घर का रेट बताया वो स्टार्टिंग है 69, उसके बाद 75, 86 और 97 लाख। इसके साथ ही ये जो बहुत ही बेहतरीन और प्रीमियम टाउनशिप हमारा द कैलाशा हाईवे से कनेक्ट बन रहा है, अगर किन्हीं को लगता है कि मेरा बजट कम है लेकिन हमको वहाँ पर घर चाहिए, तो आपके लिए ये 2 BHK और 3 BHK के फ्लैट्स अवेलेबल है। ये 3 BHK के फ्लैट्स हो गया, जो कि 3 तल्ले का ही है केवल, और यहाँ पे आपका 2 BHK फ्लैट है। और जैसे कि देख सकते हैं जो सड़क दिया गया है वो कितना शानदार और कितना स्पेशियस दिया गया, ये सारा वैष्णवी है। यहाँ पे एक चौक है, ये डेमो है, सेम इसी टाइप से घर बनकर के आपका रेडी होगा, और आप देख सकते हैं मेरा कौन सा घर है जो कि बुक हो रहा है। लोन की भी सुविधा है, और देखने के लिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा है, कंपनी कार प्रोवाइड करती है, कोई भी चार्जेस नहीं है। विजिट के लिए धनबाद के किसी भी कोने से आप हैं साइड विजिट कर सकते हैं, पिक एंड ड्रॉप की सुविधा बिल्कुल मुफ्त है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं सोसाइटी के बारे में भी अभी दिखाऊंगा, ये जो मेन एंट्रेंस है मैं कोशिश करता हूं ताकि आपको दिखा सकूं। मेरे
तो ये जो गेट बन गया है ये आपका वो मेन गेट है जो कैलाशा का है, और इसके साथ ही ये रहा डेवलपमेंट। काम चालू है, ये रहा मेन गेट, आप देख सकते हैं रोड वगैरह सारा कुछ निकल गया है, बॉल डिवाल हो रहा है, कई घरों का जो रजिस्ट्री हो चुका है उसका निर्माण अब बहुत जल्द यहां पर स्टार्ट होने वाला है। तो जो लोग भी वीडियो में देख रहे हैं और जिनको भी लेना है आप उन तक मेरा वीडियो को शेयर कर दें, फॉरवर्ड कर दें, नंबर उनको फॉरवर्ड कर दें, और जिनको भी साइड विजिट करना है कॉल करें। ज्यादा है नहीं, केवल 300 यूनिट्स है और बहुत ही अच्छा टाउनशिप है। और वीडियो प्लीज वीडियो को लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाइए। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।